नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस न्यूज कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर हैं पटना की 20 बड़ी खबरों के साथ। 1 जनवरी से पटना की शान बनेगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। पूर्व मध्य रेलवे के पटना जंक्शन सहित 5 स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचा राष्ट्र ध्वज लगाया जाएगा। भास्कर पटना उत्सव में आज दिन में शाहरुख खान का टॉक शो, तो पंकज की आवाज से सुरीली होगी शाम। गुलजार का दिल पटना आकर के हुआ गुलजार, बोले इतना तो मेरी किसी फिल्म का हॉल नहीं भरा जितना पटना वासियों ने प्यार दिया है। राजधानी में लगातार गिरते तापमान के आगे कड़ी धूप भी लग रही मीठी। बढ़ते अपराध पर बोले तेज प्रताप, गूंगी बहरी हो चुकी है नीतीश सरकार। बर्ड फ्लू का प्रकोप पूरे बिहार से, पक्षियों के सैंपल जुटाने के निर्देश, पक्षियों से दूर रहने की भी दी गई है सलाह। अगले साल आम चुनाव में बूथों पर नहीं कर सकेंगे धूम्रपान और तंबाकू का सेवन, चुनाव आयोग ने लगाया प्रतिबंध। लालू के समर्थन में उतरे अनंत सिंह, कहा उनको फंसाया गया है। RLSP के बागी गुट के विधायक ललन पासवान ने पार्टी पर अपनी दावेदारी जताई। मंजू वर्मा ने मीडिया पर उतारा गुस्सा, कहा आप लोग मार कर ही दम लेंगे क्या। अस्पताल प्रशासन के निर्देश को लेकर के अनसुना, PMCH के मरीजों को लगा रहे चूना। बिहार में व्यापारियों ने सरकार को दो टूक, कहा सुरक्षा की स्थिति है खराब, स्थानीय पुलिस में भरोसा नहीं। मांझी ने गरमा दी बिहार की सियासत, NDA को नागराज तो महागठबंधन को कहा सांपरा। तेज प्रताप ने कहा तेजस्वी को बनाएंगे बिहार का अगला CM। लालू की सजा के खिलाफ RJD का प्रदर्शन, NDA का तंज, धरना से कोई जेल से बाहर नहीं आता। कुशवाहा ने कहा CM मेरी ही कसम खा करके बोले कि शिक्षा में सुधार के लिए मैंने उनसे मुलाकात की थी या नहीं। तेजस्वी ने CM को घेरा, जाति की राजनीति करने वालों को नहीं दिख रहा बिहार में जंगल राज। कृति आजाद ने कहा बिहार सरकार के खिलाफ छेड़ूंगा अभियान। BJP के शत्रु RJD के टिकट पर पटना साहिब से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। पटना के DM ने कहा पीपा पुल पर रात में चलेंगे वाहन, लाइटिंग का करें इंतजाम। ये थी पटना से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें, 20 अहम खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।